छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीएम मोदी पर सुरक्षा के बहाने राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने पंजाब वाली घटना पर कई सवाल खड़े किए। दरअसल राजीव भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम बघेल ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर कई बार पंजाब सरकार का सपोर्ट किया। सीएम ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर बड़ा सवाल किया। उनके मुताबिक कार्यक्रम बनाने से पहले मौसम की जानकारी क्यों नहीं ली गई। भूपेश बघेल ने कहा कि क्या पीएम की गाड़ी पर पथराव हुआ, क्या पीएम को काले झंडे दिखाए गए, ऐसी क्या घटना घट गई कि आपको ये बयान देने की जरूरत पड़ी। इसका मतलब है कि आप विशुद्ध रूप से राजनीति कर रहे हैं। अचानक एयरपोर्ट में आप कहते हम बायरूड जाएंगे और बायरूड आप 100 किलोमीटर चले भी गए। अभी तक कोई प्रधानमंत्री 130-140 किलोमीटर बायरूड गया, खुद भी कभी 140 मीटर गए। कार्यक्रम से लौटते वक्त जरूर अभी पिछले दिनों कानपुर से लखनऊ आप गए थे, जब कार्यक्रम समाप्त हो गया तब कार्यक्रम में जाते वक्त कभी नहीं गए। और फिर एक कंटिंजेंसी था तो उस समय क्या बताया था कि आपको सैनिटाइज करना था, उसको पूरे रोड को कवर करना था। क्या ये आपके आईबी की फेल्योर नहीं है? आपके आईबी सीबीआई आपके पास तो सुरक्षा के बहुत सारी एजेंसी हैं, वो क्या कर रहे थे?